यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स के अनुसार है, जिसके अनुसार दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज की दोस्तों रेटिंग सामने आई है जहां पर साफ सफाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं इन 10 देशों को। तो अभी से अपनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार दोस्तों आज के दिन दुनिया की सबसे ज्यादा जो साफ लेवल की आपको कंट्री देखने को मिलेगी वो है जर्मनी, जो कि दोस्तों यूरोप की एक बेहद ही ज्यादा शानदार कंट्री है और यहाँ पर डेवलपमेंट की भी कोई कमी नहीं, तो साफ सफाई की भी रोड्स पर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और पानी भी दोस्तों यहाँ का बेहद ही ज्यादा साफ है। चाहे आप जर्मनी के बड़े से बड़े शहर को विजिट कर लीजिए तो चाहे छोटे से छोटे टाउन को, कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि वो अपने देश को कभी भी गंदा करना पसंद ही नहीं करते। ताज़ा EPI स्कोर के अनुसार जर्मनी का दोस्तों लेटेस्ट EPI स्कोर है 77.2 और इस तरीके से ये पूरी दुनिया में साफ सफाई के मामले में रैंक करती है कंट्री नंबर 10 पर। नंबर 9 पर आगे बढ़े तो नाम आता है नॉर्वे का। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार नॉर्वे की दोस्तों रेटिंग बनती है, इसका EPI स्कोर बनता है 77.7 और इस तरीके से आज के दिन पूरी दुनिया की 9वीं सबसे ज़्यादा साफ कंट्री है। वैसे दोस्तों नॉर्वे को तो बिल्कुल साफ कंट्री होना ही है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इसका रुतबा बहुत ही बड़ा है। यहाँ की रोड्स हर समय आपको क्लीन नज़र आएंगे और बेहद ही खास बात ये नॉर्वे हमेशा से ही अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन नॉर्वे के दोस्तों टाउन्स की खूबसूरती ना किसी का भी दिल जीत ले। नॉर्वे के शहर तो डेवलप हैं ही, लेकिन यहाँ के टाउन्स में जिंदगी जीने का मजा एक अलग ही लेवल का है नॉर्वे। साथ ही कनाडा के बाद आज के दिन पूरी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा साफ पानी की परसेंटेज के हिसाब से नॉर्वे में ही दोस्तों देखने को मिलेगा। नंबर 8 की बात करें तो नाम आता है स्वीडन का। एक और यूरोपियन कंट्री हमारी इस लिस्ट को हिट कर चुकी है स्वीडन, जो कि दोस्तों बेहद ही ज़रा ठंडा देश है और यहाँ के लोग अमीर तो बेहद ज़्यादा हैं और लाइफस्टाइल भी इनका बेहद ही कमाल, लाइफस्टाइल कमाल है दोस्तों। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है तो यहाँ साफ सफाई तो होनी ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को गंदगी में जिंदगी जीना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन का दोस्तों आज के दिन EPI का स्कोर बनता है 78.7 और इस तरीके से ही आज के दिन पूरी दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा साफ दर्जे की कंट्री बन जाती है स्वीडन। दोस्तों आपकी डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस बन सकती है रहने के हिसाब से, अगर आपको साफ जगह पर रहना बेहद ही पसंद हो। नंबर 7 पर नाम आता है फिनलैंड का। असल में फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही दोस्तों पड़ोसी देश हैं, यूरोप का देश है, नाम इसका बहुत ही रिस्पेक्ट से लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है, पैसा यहाँ खूब बरसता है और लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। इन सभी बातों से आप समझ ही सकते हैं कि साफ सफाई की भला यहाँ कमी कैसे हो सकती है। और यूरोपियन कंट्रीज तो दोस्तों जानी ही जाती हैं कमाल की ब्यूटी के लिए और जहाँ पर गंदगी बिल्कुल ही देखने को ना मिले। ताज़ा EPI की स्कोरिंग के अनुसार फिनलैंड का दोस्तों स्कोर है 78.9 और इस तरीके से आज के दिन ये पूरी दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा क्लीन कंट्री बनती है। नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है ऑस्ट्रिया का, वियना, जिसकी कैपिटल सिटी है और इसकी कैपिटल वियना पूरी दुनिया में रहने के हिसाब से बेस्ट लेवल की सिटी मानी जाती है। ऑस्ट्रिया के बहुत सारे शहर और बहुत सारे टाउन्स दोस्तों जिंदगी जीने के लिए बहुत ही अव्वल दर्जे के माने जाते हैं। वैसे तो नेचर ने भी इसे खूब दोस्तों सुंदरता बख्शी है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की नेचुरल ब्यूटी ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस देश ने ना तरक्की भी सही में काफ़ी अच्छी की, करप्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, जिसके चलते लोग अमीर हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ अव्वल दर्जे का है। साथ ही दोस्तों अगर थोड़ी बात क्लीनिंग की अब कर ली जाए तो ऑस्ट्रिया का EPI का स्कोर है 79.6 और इस तरीके से ये आज के दिन पूरी दुनिया की 6वीं सबसे ज़्यादा दोस्तों साफ कंट्री बनती है येल यूनिवर्सिटी की ताज़ा EPI रिपोर्ट के अनुसार। वैसे तो EPI की आपको कई रिपोर्ट्स नजर आएंगी, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा इनमें से करेक्ट रिपोर्ट हर बार येल यूनिवर्सिटी की ही मानी जाती है। नंबर 5 पर नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस अब हमारी लिस्ट में आ चुका है और इस यूरोपियन कंट्री के बारे में क्या कहने, सबसे ज़्यादा लोग हर साल यहीं पर दोस्तों घूमने के लिए जाते हैं और कारण आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर द लवर सिटी पेरिस मौजूद है और पेरिस में आपको देखने को मिलेगा आइफल टावर। फ्रांस का आज के दिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार EPI का स्कोर है 80 के साथ दोस्तों ये पूरी दुनिया की
पांचवीं सबसे ज्यादा साफ सफाई वाली कंट्री बनती है। नंबर चार की बात करें तो नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। यूके में दोस्तों आपके इंग्लैंड भी साथ में शामिल होता है, स्कॉटलैंड भी, नॉर्थर्न आयरलैंड भी और वेल्स भी। इन सभी को जब मिला दिया जाए तो दोस्तों यूके बनता है। और आज के दिन साफ सफाई यूके के हर एरिया में आपको अव्वल दर्जे की देखने को मिलेगी। बात अगर चाहे लंदन की कर लें, एडिनबर्ग की कर लें या फिर नॉर्थर्न आयरलैंड की, स्कॉटलैंड तो वैसे भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी के लिए और ग्रीनरी के लिए जाना ही जाता है। तो वहीं इंग्लैंड के सभी बड़े शहर चाहे ब्रिमिंगम की बात कर लें या फिर दोस्तों आप लंदन को ही क्यों ना ले लीजिए, कहीं भी आपको गंदगी नज़र बिल्कुल ही आने नहीं वाली। यही वजह है कि इसका EPI का लेटेस्ट स्कोर है 81.3। नंबर तीन, टॉप थ्री में अब दोस्तों हम घुस चुके हैं और नंबर तीन पर नाम आता है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड जो कि नेचुरल ब्यूटी के लिए और इंडियंस के बीच हनीमून डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर दोस्तों खूबसूरती भी बेहद ही ज़्यादा है और साफ सफाई की भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। स्विट्जरलैंड में पानी तो साफ है ही, साथ ही दोस्तों हवा भी इस देश की बेहद ही ज़्यादा आपको साफ देखने को मिलेगी। स्विट्जरलैंड में कहीं भी रोड पर आपको गंदगी नज़र आ जाए फिर तो दोस्तों वहाँ लोगों का गुस्सा देखने लायक होता है। इतनी ज़्यादा दोस्तों गंदगी से नफरत करते हैं स्विस लोग। स्विट्जरलैंड में हर रोड पूरी साफ देखने को मिलेगी, हर स्ट्रीट पूरी साफ होती है और दोस्तों यहाँ साफ सफाई को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं यहाँ के सभी लोग। यही वजह है कि आज के दिन स्विट्जरलैंड का EPI स्कोर है 81.5। नंबर दो की ही बात कर ले तो नाम आता है लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग जो कि दोस्तों यूरोप की एक और शानदार लेकिन बेहद ही छोटी कंट्री है। लग्जमबर्ग ही वो देश है दोस्तों जिसे यूरोप का सबसे ज़्यादा अमीर देश माना जाता है और पिछले कई सालों से ये पूरी दुनिया की टॉप थ्री रिचेस्ट कंट्रीज में अक्सर हमें देखने को मिलती है। लोगों का लाइफस्टाइल कमाल है तो दोस्तों भला लोग गंदगी में क्यों जिंदगी जिएंगे। बेहद ही ज़्यादा साफ दर्जे का देश है लग्जमबर्ग पूरी दुनिया का और आज के दिन इसका EPI का स्कोर है 82.3 और इसके चलते ये आज के दिन पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा साफ सुथरा देश बनकर हमारे सामने खड़ा है। नंबर एक की बात करें तो नाम आता है डेनमार्क का। डेनमार्क जो कि दोस्तों यूरोप की असली शान है, चाहे आप कोई भी दोस्तों इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, डेनमार्क ना आपको हर जगह नजर आ ही जाएगा। कुछ इस लेवल का रुतबा रखता है यूरोप का ये शानदार और खूबसूरत देश। आज के दिन डेनमार्क में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी और बहुत सारे लोग तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पर साइकिल का यूज करते ही आपको नजर आएंगे। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क का EPI का स्कोर है 82.5 और इस तरीके से ये आज के दिन दोस्तों पूरी दुनिया की साफ सफाई के मामले में नंबर एक कंट्री बनती है येल यूनिवर्सिटी की ताज़ा EPI रिपोर्ट 2020 के अनुसार। 2021 भी दोस्तों अभी तक रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो नहीं पाई तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताना और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हमें डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।